दोस्तों, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है कि अगर कोई भी बंदा आपके पास पैसे भेजता है, आपके पास आपके पेटीएम अकाउंट में पैसे भेजता है, लेकिन आपके पेटीएम अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग लिखा है, और यहाँ पर एरर भी दिखा रहा है कि आपका पैसा रुका हुआ है। ऐड मनी हो तो गया है लेकिन यहाँ पर पैसा रुका हुआ है। आप अगर यहाँ पर ये भी देखेंगे तो ये भी पैसा यहाँ पर रुका हुआ है। तो ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है, किस प्रकार हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में बताते हैं फुल्ली डिटेल्स। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी दोस्तों क्या है करना है, सबसे पहले आपको पासबुक पर क्लिक करना है। पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में बता दूं, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद पेटीएम वॉलेट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि अगर आपके पास कोई भी पैसा भेजता है आपके पेटीएम वॉलेट में, तो पेटीएम वॉलेट में नहीं आता है और पेंडिंग दिखा देता है। तो सिंपल से दोस्तों आपकी केवाईसी ख़त्म हो गई है, आपकी केवाईसी ख़त्म हो गई है, एक्सपायर हो गई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो सिंपल से क्या करना है, आपको केवाईसी करा लेना है। केवाईसी जहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, केवाईसी के आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखता है आधार कार्ड केवाईसी करा लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार केवाईसी एक्सपायर, जो मेरी हो चुकी है एक्सपायर, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो हम इससे केवाईसी करा लेंगे, उसके बाद में जितना ये मेरा पेंडिंग का पैसा है वो तुरंत मेरे पेटीएम अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है, जाकर केवाईसी कराए। केवाईसी अगर पॉइंट ढूंढना चाहते हैं तो कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं नियर केवाईसी पॉइंट। तो यहाँ पर केवाईसी पॉइंट और चलिए सेटिंग, यहाँ पर लोकेशन को ओपन कर लेना है। लोकेशन को हाईएस्ट पर क्लिक कर देते हैं, हाईएस्ट एक्सेस। उसके बाद में यहाँ पर ये यह दोबारा ओपन हो गया था, सॉरी। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे नज़दीकी जो होंगे केवाईसी पॉइंट, उनके नंबर और उनकी लोकेशन आपको शो हो जाएगा। बस इस पर आपको क्लिक करना है, बस सिंपल से दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अपनी केवाईसी जाकर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जाता हूँ, केवाईसी करवाता हूँ और मेरा पैसा आ जाता है। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं। दोस्तों जब केवाईसी अगर आपकी एक्सपायर हो जाती तो आपको दो प्रॉब्लम आ रही है, कई सारी प्रॉब्लम आती है। ना तो आप अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं, ना तो ला सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर इस तरह का एरर दिखाया गया, इस तरह का एरर दिखाया गया, कई तरीके के एरर दिखाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों मैं ले गया आधार कार्ड, या फिर आप पिन कार्ड ले जाइए, कोई भी ले जाइए, और या फिर आप वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले जाइए, और वहाँ पर सिंपल से जाना है, फ्री में होता है केवाईसी, फ्री में जाना है। 5 मिनट के अंदर आपका केवाईसी कर देंगे और सिंपल से चले आना है दोस्तों। अब मैंने जब चलाया तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी केवाईसी हो चुकी है और मुझे पेटीएम वॉलेट में पैसा जो रिसीव हुआ था वो आ चुका है दोस्तों। जो एरर हैं सारे वो सब ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सारे पैसे रिसीव हो चुके हैं, भेज भी सकते हैं, किसी से भी आप ले सकते हैं, और इसकी लिमिट भी बढ़ चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से तरीके से केवाईसी करा सकते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको मिनी केवाईसी, तो आपको पैसा नहीं जा रहा है, तो आपको केवाईसी फुल करवा लीजिए। आपका आधार कार्ड ले जाइए, पेन कार्ड ले जाइए, या फिर आप पेन कार्ड का नंबर या आधार कार्ड का नंबर ही याद रखिए, तभी आपका केवाईसी वहाँ पर सिंपल से कर देते हैं दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।